नमस्ते, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत ठीक से होंगे और ठीक से रहें, जहाँ रहें तहाँ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्लीज आप सबसे यही मेरी प्रार्थना है, वीडियो पूरा जरूर देखिए। आज हमको चावल साफ करने, तो हवा चल रहा अच्छे से दोस्तों, तो हम इस तरह साफ करते हैं तो बहुत जल्दी से साफ हो जाता है, टाइम कम लगता है, अच्छे साफ भी हो जाता है। तो हम गाँव में अक्सर सभी लोग ऐसे कर लेते हैं, पहले वसा लेंगे, हवा अच्छे से रहता है तो, और फिर सूप से फटक के अच्छे से बीन लेते हैं, फिर जोन रख दिया जाता है, फिर बनाते समय थोड़ा सा देख लेते हैं। साफ सफाई तो बहुत जितना कर सको उतना ही करना चाहिए। तो इस तरह साफ करते हैं, छोटा सा चावल वो भी अलग हो जाता है, निकल जाता है। साफ करते हैं तो थोड़ा शाम के समय अच्छा लगता है, हल्का हल्का धूप रहता है, हवा रखता है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, काम भी हो जाता है आसानी से। तो ये जो चावल है थोड़ा सा वहीं पे छोड़ देंगे, चिड़िया आके खाती हैं, फिर इसको भी रख देंगे, थोड़ा थोड़ा करके रखा करेंगे, खाया करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आम पड़ा हुआ था, इसको हम तोड़ के दाल में छोड़ने के लिए तोड़ रहे हैं, एक ही आम तोड़ेंगे। यहाँ पे दाल का वीडियो तैयार बचा हुआ था तो हम उसको फेंकेंगे नहीं, बहुत अच्छी कचरी बन के तैयार होती है। तो इसी यही हम जो है उबाल के फिर से पानी छोड़ के पका दिए हैं, फिर थोड़ा सा मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक डाल के पका दिए, थोड़ा ठंडा हो गया, हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया, फिर फिर से अच्छे से मिक्स कर लो। तो कोई भी बल्थिन हो भर के पास कट करके इस तरह पन्नी पे रख देते हैं तो ग्रेस बन के तैयार हो जाता है। खाने में तो बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, तो धूप जितनी तेज है तो शाम तक रुक जाएगा। इस तरह कुछ बना लेते हैं फटाफट। जैसे घर पे गाय भैंस होती है तो बचा हुआ खाना खा लेती हैं, तो हम तालाब पे छोड़ देते हैं, लेकिन आज मन किया तो कचरी बना ली है। तालाब पे छोड़ते हैं, बत्तख मछलियाँ खा लेती थी, कभी नहीं होता है मन तो कचरी बना लेते हैं, कभी वहाँ छोड़ देते हैं खाने के लिए। देखिए अच्छा बन गया, आप सूख जाएगा शाम तक। दोस्तों घर के बगल आना जाना बराबर रहता है, घास हो जाता, पानी गिरता तो घास बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है, तो इसको हम करने हैं साफ सफाई। इस समय गर्मी आ रही है तो सांप को सबसे ज़्यादा डर होता है, तो इस तरह हम कुदाल से ही साफ कर ले रहे हैं। मेहनत तो बहुत पड़ती है हम औरतों को, कुदाल फावड़ा चलाना तो मेहनत बहुत पड़ती है, लेकिन सफाई जरूरी है। तो सब करके हाथ पैर धुल के आ गए हैं, दाल चावल बनाएंगे डोसा, तो अगले दिन के लिए समय भिगो लिए थे, गल गया था तो धुल के पीस के रख देंगे। आप सभी लोग मिक्सर से भी पीस सकते हो, हमारे घर मिक्सर खराब हो गया इस समय, हमें सिलबट्टे से थोड़ा थोड़ा करके पीस लेते हैं। सिलबट्टे का पिसा हुआ तो और ही अच्छा लगता है और अच्छे से बनता है, कोई भी चीज़ बनाया जाता है, चटनी वगैरह सब कुछ बहुत टेस्टी बनती है। अब दोस्तों हम खाने में बनाएंगे कद्दू की सब्जी, कद्दू आलू चना की सब्जी कुकर में बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगी। हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, तो हम इसी तरह बनाते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं बहुत अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो यहाँ अपने बच्चों से बात करते हुए बना रहे हैं खाना, सब्जी भी कद्दू की, तो टमाटर चना प्याज लहसुन अदरक ये सब तड़के में छोड़ दिए थे, थोड़ा सा भुना गया है, इसके बाद में कद्दू छोड़ेंगे, फिर चना, यहाँ कद्दू छोड़ देते, थोड़ा सा चला देते हैं, ये भी थोड़ा सा भुनाया जाएगा। इसके बाद आलू मसाला छोड़ के फिर सब्जी चला देंगे, थोड़ा सा भून जाएगा, पानी छोड़ के कुकर बंद करके 3 सीटी लग गया, बहुत अच्छे बहुत टेस्टी कद्दू की सब्जी बन के तैयार हो गया। कचरी शाम हो गया, ये लगभग टाइम हो गया 3-4 बज गया है, 3:30 हो रहा है। तो देखिए दोस्तों
कचरी सूख के अच्छे से हो गया है। अगर नाश्ता करना होगा थोड़ा सा